सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लें सुर्खियां दे वल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ब्लाक मरिंडा के 63 पिंडां लई 27 करोड़ रुपए के चैक वंडे। जमहूरीयत की मजबूती लई सरपंचां ते पंचां नूं वध अधिकारां दा दित्ता सद्दा। विधायक सुखपाल सिंह खहरा का अस्तीफा प्रवान। स्पीकर हणा के पी सिंह ने प्रवान किया अस्तीफा। कपूरथला विधानसभा सीट हुई खाली। अरुणाचल नाल लगते इलाकों चीन दियां वध रहियां ने गतिविधियां। पूर्वी कमांडर ने स्थिति नाल निपटन लई योजना तैयार। IBG का किया गया गठन। पिंडां दे सर्वपक्षी विकास नूं यकीनी बनाउण लई पेंडू खेतरां दी काया कल्प करन दे एजेंडे नूं अगे तोरदे होए पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज दूजे दिन श्री चमकौर साहिब हल्के दे वख-वख पिंडां दा दौरा कीता ते मरिंडा ब्लाक दे 63 पिंडां विच विकास कारजां लई 27 करोड़ दे चैक वंडे। पिंड तारपुर, कलारा, सरहाणा, लुथेरी, अरनौली, कैनौर, धनौरी ते टंगराली विखे इकट्ठ नूं संबोधन करदे होए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हां दे मुख्यमंत्री बनन नाल असल विच हरेक पिंड दा नुमाइंदा मुख्यमंत्री बनिया। हेठले पद्धर जमहूरीयत नूं मजबूत करन लई सरपंचां ते पंचां नूं वध अधिकार देण दी लोड़ ते जोर देंदे होए मुख्यमंत्री ने नौजवानां नूं पिंडां विच शहीद आजम भगत सिंह दे नाम ते क्लबां बनाउण दा सद्दा दित्ता तां कि नौजवानां ते अधारित उपराले कीते जा सकन। मुख्यमंत्री दा अहुदा आपां सारिआं नूं मिलिआ, इह अहुदा मैनूं नहीं मिलिआ, इह तुहानूं सारिआं नूं हरका चमकौर साहिब दे जी बठिंडे नूं मुख्यमंत्री दा अहुदा मिलिआ। मुख्यमंत्री तुसीं बणे हो, चमकौर साहब मरिंडा जिथे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी की शहादत हुई, गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छो प्राप्त, माता गुजरी की चरण छो प्राप्त, बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी की धरती है। ये धरती अपने आप उजागर होंगी है, अपने आप इसने आप निर्माण हो तो आप सारे धनता के पात्र है कि इस धरती से रह। तो एक बड़ा माण पंजाब के MLA ने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों को अपने दिता है। हूँ अपने इसे पूरा उतरना है, वास्ते मैं थोड़े सारे की मदद की लोड़ है। अज मैं थोड़े विचार आया, पैसे लेके आया, अरनौली के वास्ते डिस्पेंसरी वास्ते 5 लाख, SC धर्मशाला वास्ते 10 लाख, सुबे वास्ते 10 लाख, SC धर्मशाला एक दूसरी है वो वास्ते 6 लाख, तो थोड़े आले दुआले दी सड़कों वास्ते 34 लाख रुपया मंजूर किया। 65 लाख पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा KP सिंह ने दल बदलन ते विधायक सुखपाल सिंह खहरा का अस्तीफा प्रवान कर लिया। विधानसभा सकत्रेत ने इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करके कपूरथला विधानसभा हल्के नूं खाली ऐलान दिता है। पंजाब विधानसभा दीआं चोणां विच महज 4 महीने का वक्फा रहिंदा है, इसलिए भुलथ विधानसभा हल्के की जिमनी चोण होण दे कोई आसार नहीं है। चोन कमिशन दे वल्लों आम तौर पर उन्होंने हालात में चोन कराई जाती है जो आम चोणों में 6 महीने तो वध दा समा रहिंदा होए श्री खहरा ने लंघे जून महीने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी विच कांग्रेस का पल्ला फड़न का ऐलान किया। साल 2017 विच होईयां विधानसभा दीआं चोणां दौरान सुखपाल सिंह खहरा आम आदमी पार्टी के विधायक वजो भुलथ विधानसभा हल्के तो चोन लड़े सन। पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 2 मौतां हुईयां ने, जदों कि 18 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 216 रह गई है, जदों कि सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 6,02,081 हो गई, जदों कि 5,85,316 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के दूजे पासे दूरी ते सेना अभ्यास ते सैनिकां दी तैनाती वधा दित्ती है। सेना दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौतियां दे नाल निजिठण लई भारत ने भी एक योजना तैयार की। उन्होंने कहा कि नवी लड़ाकू बनतर सिद्धांतक रूप नाल मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम IBG होगा तो यह ज्यादा प्रभावशाली दृष्टिकोण के नाल तेजी नाल लामबंद भी हो सकेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरदूलगढ़ सब डिवीजन के पिंड फत्ता मलूका विच एक किसान पंचायत का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चे नू होर मजबूत करने के लिए हरेक पिंड के 10 आदमियों नू किसान मोर्चे विच शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मिशन पंजाब तहत चोणा च हिस्सा लैणगे पर खुद चोण नहीं लड़नगे। किसानों नाल दो मैसेज सांझे करने ने। एक तो जिहड़ा साडा अंदोलन चल रहा है उस अंदोलन नूं असी होर तेज करना है। उस अंदोलन दे विच असी अपनी गिणती उत्थे वधाउणी है। हर पिंड चों घट तो घट 10 बंदे उस अंदोलन च बने रहन। तो दूजा असी जिहड़ा मिशन पंजाब चला रहे हैं उहदे वास्ते भी असी सारे लोकां नूं इह बेनती करांगे भी जिहड़ी रवायती पार्टियां ने उह साडी अज दी गुनाहगार है, साडी अज दी दोषी है। जिहड़ा किसान चंगी हालत दे विच सी ते अज मंदी हालत दे विच पहुँच गया। कल्ला किसान नहीं, सारा देश आम जिहड़ी जनता है वह भुखमरी के एक गार ते पहुँच गई है। तो उहनू जिहड़े कानूनों के राही लुटिया गया है, कानूनों के राही जिहड़ा कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाए ने, आम जनता के खिलाफ कानून बनाए ने, उहदी दोषी जिहड़े ने उह साडे राजनेता ने। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਜੂਗਾ ਪਾਰਟੀ? ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੇ ਸੈੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। पावन पवित्र प्रगट उत्सव के संबंध में आज केंद्रीय वाल्मीकि मंदिर तो आज शोभा यात्रा शुभारंभ हो जा रहा है और असी सारे ही तमाम अमृतसर के लोगों को पंजाब के लोगों को मुबारकबाद देने वास्ते मैं आया और मैं अपने वालों प्रदेश कांग्रेस वालों और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी वालों सारे समाज में बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े के संबंध में जलंधर शहर में विशाल शोभा यात्रा कढ़ी गई जो कि महारिषि वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला तो शुरू होकर शहर के प्रमुख स्थानों तो गुजरी। शोभा यात्रा दौरान सुभाष सौंधी राष्ट्रीय संचालक भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा चंदन गरेवाल रणजीत राणा श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर तो इलावा होर कई महान शख्सियतों ने इस यात्रा में शामिल होकर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दे मद्देनजर शोभा यात्रा के रूटा से वाहनों की आवाजाई सवेरे 10 बजे तो रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद रही। शोभा यात्रा दौरान संगतों वालों भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान किया गया। जैतो नगर कौंसल विच फरीदकोट विजिलेंस विभाग ने छापा मारिया। GSP विजिलेंस ब्यूरो फरीदकोट ने दसिया कि जैतो दे वसनीक लाजपत राय गर्ग वालों एक शिकायत विजिलेंस ब्यूरो पंजाब चंडीगढ़ नूं कीती गई सी। इस शिकायत ते
विजिलेंस ब्यूरो यूनिट फरीदकोट वालों लगभग एक साल तो उपर जांच करन तो बाद शिकायतकर्ता वालों लगाए गए दोष सही पाए जान ते कार्रवाई करदे नगर कौंसल जैतो के कर्मचारियों ते मुकदमा दर्ज करके कथित दोषियों नगर कौंसल जैतो में छापेमारी करके चार कर्मचारियों कलर्क रविंदर कुमार रामचंद रमेश कुमार गुरिंद्रपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो फरीदकोट वालों कथित दोषियों के रिमांड हासिल करने दौरान कई होर अधिकारियों कर्मचारियों से गाज डिगन की संभावना नजर आती है। जिथे पंजाब सरकार वालों लोगों नूं वधिया सेहत सहूलतां देण दे वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं उत्थे जमीनी हकीकत सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जे गल सब डिविजन गढ़शंकर की की जाए तो सिविल हस्पताल गढ़शंकर विच करीब चार महीने पहला सांसद मनीष तिवाड़ी वालों अपने MP फंड विचों 10 लाख रुपए नाल मरीजों की सहूलत लई डायलिसिस मशीन लगवाई गई सी, पर हुण इस मशीन नूं चलाउण वाले डाक्टर वालों रिटायरमेंट लैण कारण इह डायलिसिस मशीन हुण चिट्टा हाथी साबित हो रही है। इस संबंधी जदों SMO गढ़शंकर डॉक्टर अमन कुमार नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि मशीन नूं चलाउण वाला डाक्टर उपलब्ध ना होने कारण फिलहाल मशीन बंद पई है। इस संबंधी कांग्रेस के सूबा जनरल सकत्तर ते साबका विधायक लव कुमार गोल्डी ने दसिया कि डायलिसिस मशीन नूं चलाउण वाले डाक्टर की रिटायरमेंट कारण लोगों नूं परेशानी आ रही है ते जल्द ही होर ट्रेड डाक्टर की ड्यूटी लगा के मशीन नूं चालू कर दिता जाएगा। उधर इस संबंधी हलका गढ़शंकर के विधायक जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने पंजाब सरकार से तिखे निशाने साधे ने। क्रिकेट के चल रहे T20 मैचों दौरान 24 अक्तूबर को भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जिसनों लैके शहीद परिवारों में रोस की लहर है। शहीद परिवारों का कहना है कि आए दिन ही अतवादियों वालों साढ़े देश के जवानों को शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान वालों इन्होंने अतवादियों को शह दी जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अजे केंद्र सरकार को इस भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच उपर रोक लगानी चाहिए है, पाकिस्तान के नाल कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। बीते दिन बटाला च उस वेले सनसनी फैल गई जदों बटाला के गुरदासपुर रोड स्थित एक हस्पताल चो दो नौसरबाज महिलावां 3 दिन के नवजम्मे बच्चे नूं लैके फरार हो गई। इस मामले की सूचना मिलन ते पुलिस पार्टी मौके ते पहुंच गई, जिन्हां ने इस मामले की जांच करते हुए 9 घंटिया च बच्चे नूं बरामद कर लिया है। पुलिस ने अगवा किए बच्चे नूं बरामद करके परिवार नूं सौंप दिता है ते बच्चा चोरी करन वालियां 3 महिलावां नूं काबू किया है। कलयुगी मामे ने अपने 8 साल भांजे का सिर विच कही दे वार करके कतल करन दा मामला सामने आया। मृतक भांजा अपने नानके अपने नानी दे भोग समागम दे आया होया सी। मामे ने भांजे का उस वेले कतल किया जदों मृतक भांजा बच्चियां दे नाल खेड रहा सी। पुलिस ने कतल का केस दर्ज करते हुए कातिल की भाल शुरू कर दी है, जिस तों कतल के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई इजाज़त दिओ, धन्नवाद।